माय किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। उसके लिए मैंने दो बड़े साइज के आलू लिए हैं और धो के अच्छे से और क्यूब में काट लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और शिमला को भी धो के अच्छे से और साफ करके इस तरह से काट लिया है। वैसे तो शिमला में बीज होते हैं लेकिन आजकल शिमला में बीज नहीं है, बिल्कुल अच्छे से कटा है। अगर बीज है तो आप निकाल देना, नहीं तो वो गलेंगे नहीं। और मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, उनको मैंने काट के और इस तरह से स्लाइस को निकाल लिया है। ये देखिए, इस तरह से निकाल लेना है। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उनकी प्यूरी बना ली है। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। शिमला मिर्च बनाने के लिए कढ़ाई ले ली है और 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल को धुआंधार गर्म करेंगे और हमने जो ये आलू छोटे छोटे पीसेस में कट करके इनको पहले तल लेंगे, फ्राई करेंगे थोड़ा सा। पानी को निकाल लेना है अच्छे से, नहीं तो ऐसे फीके लगेंगे जैसे अब लगे थे। थोड़ा सा पानी डालने से इस तरह से फीके लगेंगे, जल भी सकते हैं आप। इस तरह से ऊपर नीचे करके 5-6 मिनट फ्राई कर लेना है आलू को, क्योंकि आलू कई देर में गलते हैं और शिमला मिर्च जल्दी निगल जाती है, तो इसलिए पहले आलू को पका लेंगे, हाफ फ्राई कर लेंगे। ऊपर नीचे करते रहना है जिससे सभी आलू बराबर पक जाएं। हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं आलू, अब हम निकाल लेंगे और हाफ फ्राई भी हो गए हैं। ये देखिए, इस तरह से दबा के देख लेना है, स्पैचुला की मदद से आसानी से टूट रहे हैं। अब हम साइड से लगा के सारा तेल निकाल लेंगे। आप बर्तन में टिश्यू पेपर रख के उसके ऊपर भी निकाल सकते हैं, इससे सारा तेल टिश्यू पेपर पर चला जाएगा। 1 तेज पत्ता जो छोटे पीसेस में कट कर लिया है, तोड़ लिया है मैंने छोटे पीसेस में, और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची के बीज निकाल के डालेंगे। छिलके को अलग कर लेंगे, जब छिलका दांतों में आता है तो टेस्ट खराब हो जाता है। कड़कने तक पकने देंगे, खड़े मसाले पक गए हैं। अब हम मिलाएंगे 1 चम्मच जीरा, फ्लेम को स्लो कर देंगे और छोटे छोटे पीसेस में फाइन कट करके प्याज हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। और अब मिलाएंगे लहसुन जो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और हरी मिर्च को भी काट लिया है, इसको डाल देंगे। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब हम डालेंगे फ्लेवर मसाले। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, हरी मिर्च मिलाई है मैंने इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से डालना। 1 चम्मच धनिया पाउडर भर के थोड़ी सी हींग मिलाएंगे, हींग बाद में इसलिए मिला रही हूँ, प्याज के साथ डालते हैं तो जल जाती है, खुशबू नहीं रहती, इसलिए मैंने बाद में मिलाया है हींग को, आप मसालों से पहले भी मिला सकते हैं। 1 चम्मच जीरा पाउडर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। मसाले पक चुके हैं, अब हम मिलाएंगे टमाटर की प्यूरी, इसको हमने मिक्सी जार में पीस लिया था, और फ्लेम को हाई रखेंगे, साइड से तेल निकलने तक पकाएंगे। ये देखिए, साइड से तेल निकल आया है, टमाटर भी पक चुकी है, अब फ्लेम को स्लो कर देंगे। और यहाँ पर मैं मिलाऊंगी 2 चम्मच फ्रेश दही, स्पीड से चलाएंगे। दो 3 मिनट चलाना है बस, दही ऑप्शनल है, अगर आप नहीं मिलाना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मिलाएंगे पानी ग्रेवी को पतला करने के लिए, ग्रेवी भी पक चुकी है। अब हम मिलाएंगे आलू और साथ में मिलाएंगे शिमला मिर्च और प्याज, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम मिलाएंगे नमक, हमने नमक नहीं मिलाया था, मैं बाद में नमक मिलाती हूँ सब्जी के हिसाब से। और अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे हम। वैसे तो शिमला मिर्च और आलू की सब्जी को ड्राई ही बनाया जाता है, अगर आप लिक्विड बनाना चाहते हैं तो ग्रेवी में थोड़ा सा और पानी मिला सकते हैं गर्म करके, ठंडा पानी नहीं मिलाना नहीं तो टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा।
दो चुटकी काली मिर्च मिला रही हूँ दरदरा पीस के, इसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और एक चम्मच कसूरी मेथी, अगर आपके पास है तो जरूर मिलाएं। अब हम ढक के स्लो फ्लेम पे 5 मिनट पकने देंगे, उसके बाद भी चेक करेंगे। चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं। और ये देखिए सब्जी अच्छे से पक रही है, ज्यादा नहीं गलानी है, थोड़ी सी कसर बाकी है बस। एक बार फिर और ढक के 4-5 मिनट पकाएंगे, 2-3 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से पीस कट रहे हैं शिमला के भी, स्पैचुला की मदद से ये सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसमें मिलाएंगे हरा धनिया खूब सारा, गरम मसाला मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे 2 मिनट के लिए, और गैस को कर देंगे बंद, जिससे गरम मसाला और धनिया की खुशबू सब्जी में समा जाए। और सब्जी बनकर तैयार है, 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए अब हम सर्व करेंगे